बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पर एक तरफ नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस वे की शुरुआत हुई, हरी झंडी दिखाई गई, दूसरी तरफ सांसद और विधायक में झड़प की बात सामने आई है, विवाद हो गया है किसी बात को लेकर, दोनों में शायद अपने मान सम्मान और आत्माभिमान को लेकर कोई विवाद की बात यहां पर सामने आई है, झड़प की बात यहां पर सामने आई है। हालांकि झड़प हिंसक नहीं थी, लेकिन जो वाद विवाद आपस में हुआ, वैचारिक जो झड़प हुई, वो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में खड़ा करती है, क्योंकि एक तरफ आप राज के लिए गौरव बनने वाले क्षण में आप मौजूद थे, दूसरी तरफ आपने उस महत्वपूर्ण मौके पर आपने राज्य को शर्मसार करने की बात यहां पर कर डाली आपने कहीं ना कहीं, और जो विवाद नहीं होना चाहिए था, जो गर्व की बात होती झारखंड के लिए, वो कहीं ना कहीं विवाद वाली बात बन गई। तो ये अपने आप में बड़ी और अहम खबर इस वक्त के हम आपको दिखा रहे गोड्डा से, जहां पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, लेकिन वहां पर सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच में कहा सुनी हो गई, ये अहम और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। गोड्डा से जो खबर आ रही है हमारे पास, एक तरफ हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच में कहा सुनी हो गई। हालांकि झड़प तो नहीं हुई, लेकिन ये झड़प हिंसक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वैचारिक झड़प थी, और ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप जनप्रतिनिधि और आपके बीच में, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ कार्यक्रम का संचालन होना है, और आप अपने बीच में ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। तो बड़ी अहम खबर, हम सब एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान ये सब कुछ हुआ है, बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हमसफर एक्सप्रेस के उद्घाटन के वक्त ये नोकझोंक की खबर आई, सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच में नोकझोंक हुई है, विवाद हुआ किसी बात को लेकर, और ये विवाद और भी ज्यादा गहरा था। हालांकि बीच में मौके की नजाकत को समझते हुए दोनों ने इस बात को समझा, और हमारे सहयोगी नरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए गोड्डा से जुड़ चुके। नरेंद्र, निश्चित तौर पर गर्व का पल, लेकिन कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले पल में यह तब्दील हो जाता है, कैसे हुई पूरी घटना? नरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नरेंद्र, गर्व करने वाला पल शर्मसार करने वाले पल में तब्दील हो गया। नरेंद्र तक हमारी बातचीत नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नरेंद्र हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक बार दोबारा कोशिश करेंगे नरेंद्र से हमारी बातचीत हो पाए, ताकि वो पूरा जो मामला था उसके बारे में जानकारी दे पाए कि आखिर विवाद की वजह क्या थी, कैसे विवाद शुरू हुआ, और विवाद के बाद आखिर में बीच बचाव या समझौता कैसे हुआ। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको इस वक्त भी बता रहे हैं। रांची, माफ कीजिएगा, झारखंड के लिए एक बहुत ही अहम दिन था ये, जब गोड्डा ट्रेन लाइन से जुड़ रहा था, गोड्डा से एक ट्रेन की शुरुआत हो रही थी, और इस मौके पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन इन्हीं जनप्रतिनिधियों में सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच में किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई, विवाद और ज्यादा बढ़ता, लेकिन शायद मौके की नजाकत को समझते और कुछ दूसरे लोगों के बीच बचाव की वजह से दोनों शांत हुए, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ऐसे वक्त में जब साथ लेकर, चाहे आप पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे विरोधी गुट के हों, आपको साथ लेकर तमाम चीजों को चलना होता है, क्योंकि ये राज्य की बात है, ये पार्टी की बात नहीं है, ये किसी राजनीति की बात नहीं है, ये आपके राज्य के लिए एक सौगात की तरह था, ये राज्य के लिए गर्व की तरह था, लेकिन आपने इस मौके को अपने अहम की वजह से, अपने ईगो की वजह से खराब कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं दोनों जनप्रतिनिधियों के लिए। और नरेंद्र इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। नरेंद्र, गर्व करने वाला पल था, लेकिन कहीं ना कहीं ये शर्मसार करने वाला पल में तब्दील हो गया ये मौका, ये आयोजन, कैसे सब कुछ हुआ, शुरुआत कैसे हुई, किसने सबसे पहले ये सब चीजें की? जी, हम सफर किए, उद्घाटन के पल है, जहाँ सब पूर्व से ही लोग अपने ट्रेन लेने के लिए होड़ लगी है, उसके लिए ट्विटर बाजी बयानबाजी पूर्व से चला आ रहा है, और इसकी आशंका पहले से यहाँ पर अधिकारियों को थी, और इसके लेकर पर्याप्त मात्रा बहुत से दिन भर दी गई थी, लेकिन यहाँ वही हमको अपना श्रेय लेने के लिए दोनों में भाषाबाजी हो गई, और दोनों में हाथ पाया धरने की नौबत दिया गया, लेकिन वही बच्चा प्रशासन में के द्वारा किया गया। यहाँ भी स्थिति पूरा माहौल गर्म है कि यहाँ श्रेय लेने के लिए काफी, यहाँ दोनों पक्ष, हमने विपक्ष का सरकार का, भाजपा और उधर जेएमएम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरा जुटे हुए हैं। नरेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि इस मौके पर जो स्टेज जो बनाया गया था, जो कार्यक्रम स्थल था, जो मंच था, उस पे कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से जनप्रतिनिधि मौजूद थे? जी, इस
मंच जो बनाया गया एक छोटे कोरोना लेके छोटे पैमाने पे किए गए थे, पहले पूर्व जो पंडाल बनाए थे उसको हटा के छोटा पंडाल बनाया गया था। उसमें फिलहाल अभी प्रबंध मंत्री चंपे सोरेन है, स्थानीय विधायक प्रदीप यादव है, दीपक सिंह पानी और गोड्डा सांसद मौजूद है कार्यक्रम में। तो शुरुआत कैसे, उस विवाद की शुरुआत क्या हुई, क्या मौका पर ही इन लोगों ने अपने अपनी बात रखनी शुरू कर दी थी या किसी तरह का भाषण हो रहा था, ये संबोधन कर रहे थे किसी, कुछ दौरान किसी बात पे शुरुआत हुई विवाद की? नहीं, किसी तरह का संबोधन का किसी तरह का मंच नहीं बनाया गया यहाँ पे। यहाँ एक शॉर्ट एडेड कार्यक्रम किया गया था कोरोना लेके, कि यहाँ के भीड़ न हो और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई थी ताकि भीड़ न हो, लेकिन यहाँ दोनों ही टीम के जेएमएम और भाजपा और कांग्रेस के लोग पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद है और जोर जोर से यहाँ करके प्रवेश करने का प्रयास किया। उसी को लेकर ये प्रदीप यादव ने बोला कि हम लोग, मेरा यहाँ क्षेत्र है, मेरा लोग को दायित्व है, यहाँ पे अधिकार है, इसी को लेकर दोनों में भाषा भर्ती हो गई। तो यानी कि कुल मिलाकर ये अहम की लड़ाई थी, श्रेय की बजाय ये मानकर चले कि हमारे कार्यकर्ता को तरजीह ना दिया गया, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। जी जी बिल्कुल, यही बात हो रहा है की कि कारण यह इंदिरा को कहना है कि स्थानीय सरकार या जेएमएम सरकार, कांग्रेस सरकार की हम पूर्व सरकार की देन है और उनकी देन की वजह हर यहाँ पर राज्य सरकार की इसमें पैसा लगी है, इसीलिए पूरा अधिकार हक बनता है यहाँ के प्रतिनिधियों को, राज्य के मंत्रियों को जगह मिले, लेकिन इसमें कहीं कहीं अब राजनीति के हो रही है। अब रेलवे, ये तो रेलवे मंत्रालय के मामला है, रेलवे मंत्रालय इस मामले में किसने कहा किसको निमंत्रण मिला ये तो रेल मंत्रालय की बात है, लेकिन यहाँ फिलहाल यहाँ लोग पॉलिटिकल अपना गेम करने में लगे हुए। जो नरेंद्र, आप मौका पर थे, आप आयोजन स्थल पर थे, एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, क्या पोक किया था सांसद या विधायक की ओर से किसी को, एक दूसरे पर क्या कुछ किसी तरह की छींटाकशी की गई थी इस मौके पर कि शुरुआत हो गई ऐसी? जी पूर्व से ही छींटाकशी का माहौल बन रहा था ये करीब एक सप्ताह से कि निमंत्रण नहीं मिला यहाँ के, जो हम लोग मेरा है काम हमने किया है, सांसद का काम वहाँ का रेल उतारने का काम हमने किया, इसी को श्रेय लेने के लेकर पूर्व से गतिरोध पूरा बना हुआ था और ये गतिरोध आज यहाँ के रेलवे उद्घाटन कार्यक्रम में भी देखने को मिला, जो माहौल दोनों पक्षों में विरोध के माहौल को देखने को मिला और यहाँ केवल वातावरण मैंने कहा जाए कि रेलवे ये हम सफर के उद्घाटन नहीं, लोग एक बड़ा कहा जाए कि बिल्कुल नरेंद्र हम सफर यानी कि आप साथ चले, ट्रेन का नाम हम सफर है कि आप साथ चले और आप तमाम जनप्रतिनिधियों को भी साथ मिलकर एक साथ होकर राज्य के विकास में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपने इस मौके को आपने एक कभी ना भूलने वाले पल में तब्दील कर दिया। नरेंद्र, ये जब सब कुछ हो रहा था तो क्या दोनों एक दूसरे पर छींक भी रहे थे, सांसद और विधायक, और उसके बाद क्या हुआ? फिलहाल अभी उस समय तो स्टार्टिंग पर में दोनों के बीच भाषाबाजी काफी हुआ, लेकिन अब फिलहाल अब दोनों मंच दिया गया, सभी लोग अभी मंच फिलहाल शांतिपूर्ण बैठे हुए, अभी फिलहाल अभी ट्रेन को हरी झंडी देने के वक्त है, हरी झंडी देने के बाद ही फिर मामला दोनों के बीच टकराव होने की आशंका जताई जा रही है। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस आरबीआई के काफी पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी सभी पॉलिटिकल पार्टी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है कि अपना अपना श्रेय लेने के लिए, अपने अपने नेताओं को श्रेय देने के लिए, अपने अपने बड़ाई करने के लिए लगे हुए हैं, इसी बीच यहाँ गर्माहट की माहौल बनी हुई है। तो नरेंद्र अभी एकदम स्थिति ठीक ठाक है, वहाँ पर माहौल सुधर चुका है पहले से और सभी लोग शांति से बैठे हुए? शांति से बिल्कुल, अभी माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी तो अभी सभी अभी मंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रेन खुलने के बाद ही इसे मामला बढ़ भी सकती है, कारण माहौल गर्म है और दोनों पक्ष की सही लोग का ये तमाशा चल रहा है, दोनों की ओर से अपने अपने बयानबाजी में लगे हुए हैं, इसीलिए आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता है फिलहाल। और क्या कुछ होना है इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में और क्या कुछ होने वाला है आगे? केवल यहाँ इसलिए लगाया गया है कि पीयूष गोयल के द्वारा हरजंडी दिखाई जाएगी, उस बाद इसी पल के लिए लोग आसानी से सांसद विधायक और मंत्री जो मौजूद है और उसके बाद कार्यक्रम रेल रवाना होना है, रेल होना रवाना के बाद ही अब फिर अब उसके माहौल अब क्या होता है अभी इसको देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए आप नजर बनाए रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो पल था, ऐसे आयोजन होते हैं विराज को आगे ले जाने वाले होते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि शायद मौके की नजाकत को भूल जाते हैं क्योंकि हर जगह इन्हें अपना आश्रय लेना होता है
और अहम की लड़ाई ऐसी होती है कि ऐसे मौके को भी ये खराब करने से बाज नहीं आते, तो कहीं ना कहीं गलती किसकी हो हम कह नहीं सकते कि शुरुआत किसने की हो कह नहीं सकते, लेकिन दोनों जनप्रतिनिधि हैं और दोनों में समझदारी होनी चाहिए थी कि कम से कम ऐसे वक्त में जब एक राज्य के लिए एक नई सौगात रेलवे की ओर से मिलने जा रहा है और एक ऐसा पल ये होता है जब तमाम राज्यवासी राज्य और राज्य सरकार के लिए गर्व करने वाला पल होता है, आपने ऐसे पल को खराब किया है, तो सवाल आप दोनों से बनता है यहां पर, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, और दोनों में से श्रेय किसी का हो ये अलग बात है, और श्रेय इसमें लेने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि आप राज्य को एक सौगात दे, राज्यवासियों को सौगात दे रहे हैं, लेकिन आप साथ ही साथ आपस में इस तमाम श्रेय को आपने खराब कर दिया अपने बयानबाजियों से, अपनी छीटाकसी से और अपने नोकझोंक से आपने इसको खराब किया है, तो ऐसे में श्रेय शायद अब किसी को नहीं दिया जा सकता है, श्रेय होगा तो रेलवे मंत्रालय का साफ साफ, क्योंकि रेलवे मंत्रालय से राज्य सरकार ने मांग की होगी, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर आपने श्रेय लेने की कोशिश की, एक विधायक होने के नाते आपने कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं कि आपको जनप्रतिनिधि बनाया इसलिए गया है कि आप जनता के उन मांगों को पूरा करें, आपका ये ड्यूटी आपका कर्तव्य है, आप अलग से खैरात में जनता को ये तमाम चीजें नहीं देते हैं, आपको हम वोट देते हैं और इसके बदले में आप तमाम चीजें तमाम सुविधाएं आप जनता को लाते हैं, तो श्रेय की बात बिल्कुल यहां पर नहीं है और नोकझोंक नहीं होनी चाहिए, तो सवाल आप दोनों से बनेगा। फिलहाल हम चाहते हैं कि ये तमाम जो कार्यक्रम है सही तरीके से हो जाए, हम सफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिख जाए और उसके बाद हम सफर एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्दे को हम बनाए रखेंगे। ये कहां की बात हो जाती है कि आप अगर दूसरे पक्ष के हैं दूसरे पार्टी के हैं तो आप में ऐसे मौके पर भी आप अपने विवाद को सामने लाने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी किसी भी वक्त में आप लड़ने भिड़ने को तैयार होते हैं, एक होता है पब्लिक डोमेन, एक होता है जब आप तो बड़ी अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं यहां पर, और सवाल ये हम पूछते रहेंगे सांसद से भी विधायक से भी, आखिर तो इस तरीके से ये पूरा जो माहौल है उसको आपने खराब किया है और जनता आपसे जवाब चाहेगी, सवाल पूछेगी आपसे, और मीडिया होने के नाते हम इस सवाल को आपके सामने रखेंगे कि आखिर श्रेय की बात कहां से आ जाती है यहां पर, आखिर जब आपको पता है कि यहां पर COVID-19 महामारी से हम जूझ रहे हैं, ऐसे में अपने समर्थकों को अपने चहेतों को मंच दिलाने को लेकर लड़ना कहीं ना कहीं आपके बड़प्पन को छोटा कर देता है, तो यह कम से कम आपको नहीं करना चाहिए था। आखिर वजह क्या थी कि आप लड़े भिड़े, आप चुनाव में अपने बयान से लड़ते हैं बहुत सही बात है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर आप आपस में लड़ जाते हैं, यह कहीं से भी जायज नहीं था, और ये सवाल बना रहेगा आपसे। ये सवाल अभी हम सफर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हरी झंडी इसको दिख जाए, हम चाह रहे हैं कि हम सफर यहां से एक्सप्रेस जो है वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए और कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो जाए, लेकिन उसके बाद भी इस सवाल से आप नहीं बचेंगे, ट्रेन हमारी निकल जाए, हम सफर एक्सप्रेस से यहां से उद्घाटन के बाद रवाना हो जाए, सही सफल सब कुछ हो जाए, लेकिन यह सवाल बना रहेगा आपसे। आप सांसद हैं ठीक है, आपने मांग उठाई, आप विधायक हैं ठीक है, आप जनता की बात को रखते हैं, लेकिन जब ऐसा पल आता है, जब ऐसा मौका आता है कि राज्य को कुछ मिल रहा है, तो श्रेय लेने की बात कहां से आ जाती है। आपको हमने वोट इसलिए दिया था कि आप हमारे काम आए, आप हमारे काम करें, आप हमारे लिए दामदाता नहीं है। तस्वीर आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, देखिए गोड्डा से ये तस्वीर देखिए आप, जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आप देखिए यहां पर, ये हंगामे की तस्वीरें, कहा यहां पर उत्साह का माहौल होना चाहिए था, कहा लोग को खुशी का इजहार करना चाहिए था, जश्न मनाना चाहिए था कि गोड्डा रेलवे लाइन से कनेक्ट हुआ है, रेलवे नेटवर्क पर एक गोड्डा भी आ चुका है, लेकिन देखिए तस्वीर, बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो पल है ये खुशी वाला पल होना चाहिए था, ये पल जश्न मनाने वाला होना चाहिए था, ये पल खुद पर गर्व करने वाला होना चाहिए था कि गोड्डा को हम रेलवे नेटवर्क पर देख पा रहे हैं, एक नई ट्रेन की शुरुआत हो रही है यहां, लेकिन देखिए उस पल को कैसे राजनीतिज्ञों ने राजनीति की भेंट चढ़ाई। और मनीष इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए सीधा हमसे जुड़ चुके हैं, मनीष जो ये
पल है अभी इस वक्त, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? हम तमाम चीजें जानेंगे आपसे कि फिलहाल स्थिति अभी वहां पे कैसी है। नरेंद्र से बहुत सारी जानकारी तो हमें मिल गई है, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या माहौल थोड़ा जश्न, थोड़ा रोमांच वाला हो चुका है, या फिर अभी भी वही राजनीति और विवाद की वजह से तनाव भरा है वहां पर? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जो घटना घटी है वो उससे माहौल जरूर खराब हुआ। और अगर हम घटना की बात करें तो प्रदीप यादव जो वहाँ से विधायक भी हैं, और यहाँ मधुपुर से एक संजय यादव हैं जो वो मधुपुर से यहाँ गए थे, वो टिकट लिए थे, उनका कहना है, उनका आरोप है कि उन्हें इस बात को लेकर के रोका गया, जैसा कि प्रदीप यादव के ऊपर वो आरोप लगाए कि उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कहने का अर्थ यह है कि तुम मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से हो, तुम यहाँ पड़िया हाथ में आकर के यहाँ तुम क्या कर रहे हो। हालांकि संजय यादव गोड्डा लोकसभा सांसद जो है, निशिकांत दुबे, उनके काफी करीबी माने जाते हैं और पदाधिकारी भी पार्टी में है, और वो मधुपुर से एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर है, और वो जब भी मधुपुर आते हैं निशिकांत दुबे इनके मतलब जो जो सांसद हैं उनके साथ वो हमेशा रहते हैं पास पास, तो काफी करीबी है। तो उनके साथ उनसे मेरी बात हुई है, उनसे उन्होंने कहा है कि मेरे साथ उन्होंने सवाल उठा दिया कि मैं यहाँ क्यों क्या कर रहा हूँ इस मौके पर। हालांकि मैं तो एक नागरिक हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और मेरे पास टिकट था, मैं बोनाफाइड यात्री था इस ट्रेन का, और टिकट था मुझे मेरे पास, तो वो सवाल ऐसा क्यों कर सकते हैं? कल मेरी बारी आएगी जब वो मेरे यहाँ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र या मधुपुर के इलाके में जब दिखेंगे तो मैं भी उनसे पूछूंगा। दरअसल क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व सांसद प्रदीप यादव या फिर वर्तमान में जो पड़ियाड से विधायक भी हैं उनके बीच राजनीतिक नोकझोंक हमेशा होती रही है, तनातनी होती रही है। जब भी वहाँ स्थानीय कोई बैठक होती रही है, स्थानीय प्रशासनिक जब बैठक होती रही है चुनाव को लेकर, तब भी कई तरह के इस तरह खबरें देखने को मिली है, उसका वीडियो फुटेज भी वायरल हुआ था दोनों के बीच में नोकझोंक। और मैं चुनाव के दौरान, लोकसभा जब चुनाव था 19 मई 2000, तो मैं भी उस कवरेज के दौरान था, तो वहाँ भी उनके क्षेत्र में हम सांसद के साथ घटना घटी थी। तो हम ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। रिंकू झा भी मामला आपको ध्यान होगा कि रिंकू झा ने एक आरोप लगाया था इन लोगों पर, प्रदीप यादव और बाकी जिन लोगों पर, तो उस समय भी सांसद आगे बढ़ चढ़ करके रिंकू झा के साथ खड़े हुए थे और उस मामले को उछाला भी गया था काफी लोकसभा चुनाव के दौरान। तो जो ये लड़ाई है आपस में, राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, दोनों कदावर नेता है अपने अपने जगह पर, दोनों अपने 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 पार्टी के चेहरा है, तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मौका ऐसा था कि संताल परगना पिछड़ा रहा है रेलवे के मामले में, और अब जब वहां आम सफर आज से शुरू होना है, अभी ट्रेन अभी खुली नहीं है, तो निश्चित तौर पे इस माहौल को संयम के साथ रहना चाहिए था, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। लेकिन फिलहाल मामला तनाव में नहीं है, काबू में हम कह सकते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और एक मौका था जनता के लिए, चूंकि दोनों प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हैं निश्चित तौर पे, तो अब ये मौका नहीं था इस तरह से नोकझोंक करना या फिर आपस में पब्लिक के बीच में। बिल्कुल मनीष, देखिए कि ट्रेन का नाम हम सफर है, यानी कि हम साथ आपको लेकर चलेंगे, हम सफर आप है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, साथ आपको एक साथ चलना होता है और राज्य को विकास की ओर आपको ले जाना होता है, राज्य को सौगातें दिलवानी होती केंद्र सरकार से, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया। खबर यह आई है मनीष की प्रदीप यादव ने शायद पहले नोकझोंक शुरू की और हाथापाई की कोशिश की है, क्या ये खबर भी आ रही कुछ हम तक पहुंची है और मामला वहां से गरमाना शुरू हुआ है? देखिए जो आरोप लगाए हैं, जो मेरी बात हुई है, मेरी जो बात हुई है, संजय यादव जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ही उन्होंने मुझे रोका टोका, पूछने लगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और आपका यह क्षेत्र नहीं है, आप अपने क्षेत्र से यहाँ क्यों आए हैं, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट है, मैं इस ट्रेन से यात्रा करना चाहता हूँ। तो शुरुआत की बात क्या कहें, लेकिन जो सिचुएशन जो हुई है निश्चित तौर पर ये दुखदाई है। ये जो तस्वीरें हैं राज्य भर के लिए, राज्य से बाहर के लिए भी है, कहीं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर संथाल प्रणाली की राजनीति कही है या फिर राज्य की राजनीति के लिए, ये राजनीतिक नेताओं के लिए ये शोभा नहीं देता है, चाहे यहाँ मधुपुर से संजय यादव हो या फिर प्रदीप यादव या फिर सांसद महोदय, तो निश्चित तौर पे इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों से परहेज करना चाहिए, कम से कम पब्लिक के बीच में, क्योंकि आप पब्लिक के लिए एक आइडियल हैं, आप पब्लिक के, आप जो भी कुछ भी करते हैं लोग उसी को ही अनुकरण करते हैं और फिर कहते हैं कि जब आप ऐसे पब्लिकली करेंगे तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए दोनों लोग, जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में सम्मिलित है, ये कहना कि उनकी गलती किसकी है, किसने पहले या किसने बाद में, ये अलग बात है, लेकिन दोनों ओर से, और मुझे जो जानकारी है इसकी संभावना पहले से थी और शायद यही वजह था कि आज वहां इस बात की दावेदारी की होड़ लगी थी कि ये जो ट्रेन आई है या जो ट्रेन की शुरुआत हो रही है, जो योजनाएं आ रही हैं वो किसकी देन है, किसने उन्हें लाया, तो निश्चित तौर पर आज ये होना ही एक तरह से कह सकते हैं कि ये तय था। अच्छा, लेकिन मनीष खबर एक ये भी आ रही है कि अब से 14-15 घंटे पहले करीब फेसबुक पेज पे बाकायदा निशिकांत दुबे ने ये पोस्ट भी किया था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, ये जानकारी आ गई थी,
तो फिर ऐसे में तो सवाल वाकई में उठता है कि अगर उनको जानकारी थी तो उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं मांगा, और अगर उन्हें यह था डर कि अगर मुझे खतरा था तो उसका नाम क्यों नहीं बताया था, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह की नाटकबाजी भी तो हो सकती है। जब आपको पता है कि आपके ऊपर खतरा है, आप पर हमला हो सकता है। देखिए ये राजनीति है, राजनीति में नाटकबाजी चलती है नाटन। देखिए राजनीति है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रामेश्वर राव जी के साथ वन टू वन कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, मैंने उनसे कहा कि जब नामांकन का दिन था यहाँ प्रत्याशी नामांकन का, तो उन्होंने दावा किया था कि अब बाबूलाल मरांडी को इस जीत के बाद बाबूलाल मरांडी को सीएम हम बना देंगे, तो रामेश्वर राव जी ने साफ कहा कि वो बड़ बोले हैं, वो बयान देते हैं लेकिन इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बनाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे निशिकांत दुबे इस इलाके में कई योजनाओं को लाया है और उसके लिए श्रेय वो भी लेते हैं, और चूंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कोई भी बयान आए किसी के खिलाफ बयान तो वो काफ़ी एक्टिवली उसे पेश करते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह की बातें उनके पास जानकारी थी कि ये घटना हो सकती है, या तो निश्चित उन्हें अब उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना दी कि नहीं दी, और अगर उन्होंने सूचना जिला प्रशासन को दी तो उसके लिए जिला प्रशासन कितना तैयार था, क्या तैयारी की गई थी, ये अब जिला प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है। तो अगर निश्चित तौर पर अगर उन्होंने पहले से घटना की सूचना दी थी या अपनी अंदेशा जाहिर किया था, तो उसके बाद भी अगर सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से नहीं की गई, या फिर ये कह सकते हैं कि पहले से अलर्ट मोड में नहीं रहा पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल मनीष, लिखते हैं निशिकांत दुबे लिखते हैं कि कल सिटी विधायक किस मुंह से आएगा गोड्डा स्टेशन, पुड़ैया हाट में तो दिखा नहीं, कल जनता तैयारी करे, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, मेरे ऊपर हमला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा तो नहीं कि निशिकांत दुबे चाहते थे उनके ऊपर हमला हो, इसलिए शायद उन्होंने उकसावा का कोई काम किया हो और इसी वजह से प्रदीप यादव जो है वो अपना आपा खो चुके हों, और ऐसे में कुछ ऐसी जानकारी तो ऐसा इन्होंने लिखा है, पोस्ट किया हुआ है वो, तो जान से उकसाया हो किसी तरीके से। देखिए जो पोस्ट है उसके उससे तो यही कहा जा सकता है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी इस बात को कहने के लिए, और ये हमारे हमसे ज़्यादा जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है कि वो इस बात की जांच करे, गहन तरीके से जांच करे कि ये किस स्थिति में ये नौबत उत्पन्न हुई, ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है, किसने उन्हें उकसाया, परिस्थितियाँ क्या बनी, जरूरत इस बात की है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लोग भी जनता भी जानना चाहेगी कि आखिर किसने किसे उकसाया और उकसाने के पीछे क्या मकसद था। मनीष, तो अब मौके की नजाकत को देखते हुए क्या दोनों में समझौता हो गया, या फिर आगे एक दूसरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं दोनों? देखिए निश्चित तौर पे जो स्टाइल है गोड़ा सांसद का कामकाज का, हो सकता है कि वो थाने तक जाएं और उसे लेकर के इस मामले को FIR भी कराएं, लेकिन अब ये देखना आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अब जब मधुपुर उपचुनाव है और वहाँ जब प्रदीप यादव पहुँचेंगे अपने चुनाव प्रचार के लिए, तो संजय यादव जिनके साथ हाथापाई या नोकझोंक हुआ वो जरूर, और उनके समर्थक जरूर उनको अब ये सवाल उठाएंगे और उनसे उनके खिलाफ जरूर वो पहल करेंगे, ये होना तय है। क्या प्रशासन को बीच बचाव करना पड़ा था मौके पर, या फिर दोनों ने खुद से ही एक समझौता किया, तात्कालिक समझौता कि अभी कार्यक्रम हो रहा है तो अभी हम शांत हो जाए और बाद में देखेंगे, एक दूसरे को हम देख लेंगे, कुछ ऐसा? देखिए चूंकि जो सिस्टम है हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो राज्य की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें जनप्रतिनिधि ऊपर हो जाते हैं, जिसमें कि एक एक सांसद हैं और दूसरे पूर्व सांसद हैं, स्थानीय विधायक भी हैं वर्तमान में, तो निश्चित तौर पे वो सबसे ऊपर हैं, और तो जिला प्रशासन भी अगर बीच बचाव करेगा तो उसका भी एक तरीका होगा, वो भी एक सीमा के अंदर। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार संजय यादव जो कह रहे हैं कि सांसद महोदय ही आकर के उन्होंने बीच बचाव किया और उन्होंने प्रदीप यादव को अलग किया कि इनसे सवाल पूछने का कहीं आपका अधिकार नहीं और ये मौका भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर फिलहाल शांति वहां देखने को मिल रही है शांति, और अब कार्यक्रम होगा कि थोड़ी देर में ट्रेन यहां से खुलेगी, लेकिन ट्रेन तो जरूर खुलेगी लेकिन एक नई आगाज के साथ ट्रेन आगे निकल जाएगी अपने गंतव्य से, लेकिन जो राजनीतिक जो भूचाल आ गई है, जो राजनीतिक जो गाड़ियां अभी जो ट्रेन खुल रही है हम सफर, और जो एक नई घटनाक्रम हुआ उस पर कई लोग सवार होंगे और कई राजनीतिक रोटियां भी सेकेंगे। बिल्कुल, तो मधुपुर उपचुनाव से पहले इस तरह की घटना सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में शायद जो हम पश्चिम बंगाल में, केरल में, ऐसे तमाम जगहों पर देखते हैं शायद अब संथाल में भी देखने को मिले। मनीष, जो आज अब जरा सा हम सफर एक्सप्रेस से जुड़ी बातें भी कर लेते हैं, तो हम सफर एक्सप्रेस को तो बहुत ही दुल्हन की तो सजाया गया है क्योंकि ये मौका ऐसा है कि ये ऐतिहासिक बनने जा रहा है गुड्डा के लिए, संथाल के लिए। क्या आम लोग भी आज यात्रा करने वाले हैं या फिर सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर इसे रवाना किया जाएगा ट्रेन को?
निश्चित तौर पे जब ट्रेन चलती है तो कई आम लोग भी चढ़ते हैं, तो ये ऐतिहासिक दिन होता है, उनके पास भी वो टिकट रखते हैं कि जब ये ट्रेन यहाँ से शुरू हुई थी तो हम लोग उसके यात्री थे, आम लोग भी चढ़ेंगे। और इसी चाहाव के लिए ही जो संजय यादव है मधुपुर के, जिनके साथ नोकझोंक हुआ है प्रदीप यादव का, वो भी एक मधुपुर से है और वो वहां से चल करके अयोध्या तक आने की उनकी तैयारी थी, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उनके पास टिकट भी है उसे लेकर। और मनीष फिलहाल क्या स्थिति वहां पर जरा जानेंगे आपसे कि ट्रेन को कब तक यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। देखिए चूंकि समय के अनुसार है, अब चूंकि स्थितियां कुछ जरूर बदल गई थी वहां पे, तो निश्चित तौर पे स्थिति को पहले नियंत्रण लिया जाएगा, उसके बाद ट्रेन को रवाना समय के साथ रवाना किया जाएगा। और मनीष कोविड को देखते हुए क्या कुछ खास तैयारी नहीं की गई थी वहां पे, इतनी भीड़ अचानक से जुट गई वहां पर, जिला प्रशासन ने क्या कुछ रोक नहीं लगाई थी? देखिए चूंकि जब कार्यक्रम इस तरह के होते हैं तो दोनों समर्थक लोग पहुंचते हैं, जनता भी पहुंचती है, चाहे वो मधुपुर का उपचुनाव हो वहां भी कई लोग पहुंच रहे हैं। जो अनुपालन करने की बात है कोविड-19 की, ये हम ऊपर से जरूर कह रहे हैं, सरकार भी सख्ती पालन करना चाह रही है, लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम ही इस तरह से रखा गया था और उसमें लोग पहुंचते ही हैं, आम जनता पहुंचती है, जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं उनके समर्थक पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पे वो कोविड-19 का तो निश्चित रूप से वो जो प्रोटोकॉल है वो पालन होना असंभव और व्यवहारिक हो जाता है। तो संजय यादव क्या है, क्या सक्रिय राजनीतिक है ये भी? देखिए संजय यादव मधुपुर विधानसभा से हैं और मधुपुर के रहने वाले हैं और गुड्डा सांसद के प्रतिनिधि हैं और काफी करीबी माने जाते हैं। जब भी गुड्डा सांसद अपने संसदीय इलाके में घूमते हैं, खास करके देवघर और मधुपुर में, तो जितने दिन तक सांसद महोदय रहते हैं उनके साथ संजय यादव रहते हैं, उनकी गाड़ी में बैठते हैं और आगे की सीट पे वो बैठते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय यादव और मधुपुर और गुड्डा सांसद जो निशिकांत दुबे उनका क्या संबंध है। बिल्कुल मनीष, निश्चित तौर पर तो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे वो, हालांकि हम बहस कैसे शुरू हुई इस पर नहीं जाना चाहते, गलती किसकी है इस पर हम जाना नहीं चाहते। मनीष आप हमारे साथ बने रहिए, नरेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि आप अंदर में है, मौके पर मौजूद है, वहां की स्थिति फिलहाल क्या है, क्या तनाव अभी भी है या अब उस तनाव को पीछे छोड़कर लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे अब आगे बढ़ चले हैं? फिलहाल अभी तनावपूर्ण शांत है, फिलहाल अभी बारी है, देख हम सफर को हरी झंडी दिखाने की, अभी जस्ट 3:30 बजे इसका बस 4 ही मिनट बची हुए है उसका हम सफर ट्रेन खुलने को लेकर, इसी में लेकर अभी मौके पर एक छोटा सा मंच बनाया गया जहाँ पे राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, गुड्डा सांसद प्रदीप यादव और मागवां विधायक दीपिका से मौजूद हैं इस वक्त गाड़ी को रवाना करने के लिए। फिलहाल अभी जो इसके पूर्व गतिरोध बने हुए थे दोनों पर, यादव और कुछ भाजपा कर्ता को भी सांसद बाद कोई भाषा बसती हुई थी, जो एक नौझोंकी नौबत आ गई थी। नरेंद्र अभी क्या वहां पे प्रशासन की ओर से क्या लोगों की भीड़ को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो खचाखच भीड़ दिख रही है ये किसी बड़े खतरे को भी जन्म दे सकता है, क्योंकि हम जिस काल से गुजर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की ओर से लोगों को थोड़ा सीमित करने की कोशिश की गई कि कुछ लोग बाहर चले जाएं? जी पंकज, सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह से मुझसे थे कि अनावश्यक लोग ना आ पाए, इसलिए पूरी से ही प्राइवेट आम लोगों के आने के लिए रोक थे, लेकिन यहाँ के विधायक सांसद और मंत्री पहुंचे, उस बीच में कार्यकर्ता और उस मंत्री के उस बीच में हुजूम आ गए और उस दौरान में काफी संख्या में पब्लिक भी प्रवेश कर गया, जो यहाँ भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जो इसके लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़े आप, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम ताजा तरीन अपडेट से अवगत कराया जनता को, दर्शकों को, कि क्या कुछ फिलहाल गुड्डा में चल रहा है जो नहीं होना चाहिए था। और एक बार फिर से न्यूजीलैंड भारत की तरफ से हम ये साफ कर देते हैं कि हमारा मकसद किसी एक का पक्ष लेने का है नहीं, हम नहीं जानना चाहते कि नोकझोंक की शुरुआत किसने की, हम ये भी नहीं जानना चाहते कि बहस की शुरुआत किसने की, हाथापाई किसने की, हमारा सवाल दोनों प्रतिनिधियों से, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और ऐसे पल को ऐसे मौके को आपको मिलकर सफल बनाना होता है, लेकिन आपने अपने अहम की लड़ाई में एक ऐसे पल को जो कि ऐतिहासिक होने जा रहा था गुड्डा के लिए, वो ऐतिहासिक तो खैर अभी भी है, लेकिन आपने इस पल को में जो व्यवहार किया उससे अपने कद को आपने छोटा किया है। और तस्वीर आप देखिए, इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ यहां पर है, प्रशासन और पुलिस के जो लोग हैं वो बीच बचाव करते नजर आ रही है। देखिए तस्वीर उस वक्त की, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे
निशिकांत दुबे के एक जनप्रतिनिधि जो हैं, माफ कीजिएगा, सांसद प्रतिनिधि जो हैं, उन पर कुछ कमेंट किया था विधायक प्रदीप यादव ने, यह जानकारी निकलकर सामने आई है और उसके बाद से ही बात आगे बढ़ती गई और विवाद कुछ इस कदर बढ़ने लगा कि सांसद बीच बचाव के लिए आ गए। हालांकि सांसद ने अब से 14 घंटे पहले फेसबुक पेज पर भी इस तरह की घटना होने का अंदेशा जाहिर किया था। हालांकि उस घटना के पीछे आधार उनका क्या रहेगा वो तो नहीं जानते, लेकिन उनका अंदेशा यहां पर एकदम सही साबित होता नजर आया। ऐसे में सांसद महोदय को चाहिए था कि वो प्रशासन से पहले ही सुरक्षा की गुहार लगाते और ऐसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए सीमित संख्या में लोगों को आने देने के लिए गुजारिश कर सकते थे, पहल कर सकते थे। लेकिन देखिए कैसे ये सब कुछ यहाँ पर हुआ। देखिए संजय यादव जो बताए जा रहे हैं विधायक सांसद प्रतिनिधि हैं, यानी कि निशिकांत दुबे के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बकझक शुरू हुई। पहले कुछ चुटकी ली विधायक प्रदीप यादव ने और उसके बाद ये चुटकी अब इस रूप में सामने आई, तंज कसा था। उसके बाद ये बहस तक बनी और उसके बाद नोकझोंक शुरू हो गई, मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। तो न्यूज 11 भारत किसी भी एक शख्स का पक्ष नहीं ले रहा है, ना सांसद का ना विधायक का। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि हम किसी एक के पक्ष में अपना जजमेंट दें, जो कि ऐसी मीडिया आमतौर बदनाम हो जाता है। तो न्यूज 11 भारत कम से कम ऐसे मुद्दों में, ऐसे विवादों में पड़ना नहीं चाहता। वो हम साफ कर देते हैं कि हम किसी एक का पक्ष ले रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ प्रतिनिधियों से यही है कि इस पल को खुशगवारा बना सकते थे, इस पल को आप मिलकर सफल बना सकते थे, लेकिन आपने अहम की लड़ाई में, ईगो की लड़ाई में इस पल को भी शर्मसार करने वाला बना दिया। तो सवाल जनता आपसे पूछे।